हेलो एवरीवन, क्यू आर वॉचिंग सीरियल से आप बात करते हैं टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड की। तो आप देखेंगे कि जो हमारी प्यारी चुलबुली अभीरा है वो अरमान के ऑफिस जाएगी उससे क्रिश के बारे में बात करने के लिए। लेकिन जैसे ही अभीरा ऑफिस पहुंचेगी भाई उसे तो शॉक मिल जाएगा क्योंकि अरमान के साथ रूही जो वहाँ पर होगी और टाइम भी स्पेंड कर रही होगी। और यहीं आएगा कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट जहाँ पर रूही और अभीरा के बीच में होने वाली है तीखी नोकझोंक। तो वहीं रूही को उसकी औकात दिखाते हुए अभीरा कह देने वाली है ये ख़ास बात कि तुम सिर्फ उसकी दोस्त हो और मैं उसकी बीवी हूँ। बीवी होने के नाते मुझे पूरा हक है कि मैं उसका कान खींचूँ या वो मेरा कान खींचे अगर वो कोई समझता है कि मैंने गलती की है। इसीलिए तुम्हें बीच में बोलने की क्या ज़रूरत है, ये हम दोनों के बीच की बात है। अभीरा इतने ज़्यादा गुस्से में होती है कि वो अरमान के ऑफिस टेबल पर चढ़ जाती है और वो फिर अरमान के कहने से ही नीचे उतरती है। शो के अपकमिंग ट्रैक में ये भी दिखाया जाएगा कि कैसे अरमान के कान खींचने के बाद अभीरा उसे समझाती नज़र आती है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के टाइम देने के अलावा कोई थोड़ा सा टाइम हो तो अपने भाई के लिए सॉरी और थैंक यू वीडियो एक भेज देना ताकि उसे भी पता चले कि उसके सपोर्ट में उसका भाई खड़ा है। अभीरा यहाँ पर इतने ज़्यादा गुस्से में होती है कि अरमान उसे अपना प्यार अपनी केयर दिखाता है और कहता है कि तुम गाड़ी धीरे चलाना और सही से जाना और साथ में फ़ोन भी अपना वाइब्रेशन से हटा लो। शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि अभीरा के लिए अरमान का इतना कंसर्न देखकर रूही को बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला है जिसके बाद कैसे समझाएगा अरमान रूही को देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग। लेकिन शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि गोइंकास के घर में होने वाला है काफ़ी ज़्यादा तूफान। तो वहीं पोदार निवास में भी रूही और अरमान और हमारी अभीरा के बीच होने वाली है नोकझोंक। शो के अपकमिंग ट्रैक में आप ये भी देखने वाले हैं कि अभीरा कस्टर्ड बनाकर के ले जा रही होगी घर वालों के लिए, तभी रूही उसे रोकेगी और उसके साथ बदतमीजी करेगी और जाने अनजाने में अभीरा को धक्का लग जाएगा और उसका कस्टर्ड तो फैलेगा ही लेकिन साथ में रूही अभीरा को चोट भी दे देगी। जैसे ही अभीरा का हाथ देखने रूही आएगी वो उसे झटक देगी और उसे माइंड योर ओन बिजनेस कहकर के चली जाएगी। आखिर कब ख़त्म होगी इन दोनों की ये शैतानियाँ, देखना होगा काफ़ी दिलचस्प। लेकिन फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।